बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? नींद आप भी ठीक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। अच्छा, आज हम दही बल्ले, बेसन के बल्ले बनाने जा रहे हैं, जो हमारे घर में रमज़ान में स्पेशल पूरे रमज़ान में चलती है। लाइट और शाम के साथ में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, हाफ टी स्पून अजवाइन, एक टेबल स्पून मिर्चें सुरख और एक टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून मीठा सोडा खाने वाला और नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें पानी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह इसे का अच्छा सा घोल बना लेना और पानी डालते जाएंगे। देखें, हमारे घर पूरे रमज़ान में इसी तरह के लाइट से चलते हैं। बहुत शौक़ से खाते हैं, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई गुटली ना ले जाए इसमें। अच्छे से गर्म कर ले। देखे, अच्छी तरह सब मिक्स हो गया, कोई गुटली नहीं है इसमें। और अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें वो मीठा सोडा डाला ना, ठीक हो जाए, इस अच्छा सा बैटर बन जाए। अब इसे हम रेस्ट पे रखेंगे 20 मिनट के लिए और फिर इसके हम बल्ले बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बल्ले या बड़े जो भी कहते हैं, आंच मीडियम रखेंगे हम। ऐसे डालते जाए, ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे, माशाल्लाह कितने अच्छे बन रहे, बड़े बड़े। हमने पलटा दिया दूसरी साइड और अभी हम इसे ठंडे पानी में नहीं डालेंगे, एक ही बार इसे निकाल के बाद प्लेट में रखेंगे और रूम टेम्परेचर में आ जाएंगे तो फिर इसे पानी में हम डालेंगे 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह इतने अच्छे से बनते, अच्छे से हमारे घर में पूरे रमज़ान में यही चलता है। कभी कभार हम पापड़ी भी डाल लेते हैं ऊपर, नहीं तो फिर ये केले खाए जाते, बहुत अच्छे लगते हल्के फुल्के।
दवाई से निकालेंगे। सांस सी रेसिपी है, झटपट में तैयार हो जाती है। अब मैं हाथ से डालूंगी, मुझे हाथ से डालना ना आसान लगता है। और अच्छे से डाल भी जाते हैं, मुझे इसी तरह आसान लगता है। मेरे बच्चे तो वैसे ही खा जाते चलते फिरते। हम दो तीन दिन के लिए ना कट्ठे ही निकाल के इसे सेव कर लेते, कुछ भी नहीं होता। बहुत हल्की फुल्की लाइट सी डिश है रमज़ान में खाने के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी से। पूरे रमज़ान में हमारे घर में यही और फ्रूट चाट और फालसे का पानी। और इफ्तारी सहरी बिल्कुल सादा सिंपल खाई जाती है। बना ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। अभी हमने पानी में नहीं डिप किया, देखें कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अभी ऐसे ही खा रहे हैं मेरे बच्चे चलते फिरते। और अभी ये जाएंगे रूम टेम्परेचर में, उसके बाद हम इन्हें पानी में डिप करेंगे। अच्छा जी, अब हम आएंगे भल्लों के लिए या फुल्कियाँ के लिए दही तैयार करेंगे। दही में ये देखें, जिनके पास बीटर नहीं है वो ऐसे ऐसे भी कर सकती है, ये देखो। और इसमें जाएगा एक कप पानी, एक कप दूध और एक कप जाएगा इसमें पानी का। देखिए इतना पतला होना चाहिए, क्योंकि ये जो भल्ले हैं ना इनमें ज़्यादा पतला ही जाता है दही, ये आहिस्ता आहिस्ता सूप हो जाते हैं। ये देखें, अब इसमें जाएगा नमक हसबे ज़ायका। पहले डालेंगे हम ज़ीरा एक चम्मच और नमक जाएगा हसबे ज़ायका, क्योंकि वो हमने पहले भल्लों में डाला है उसकी ज़रूरत। और ये जाएगी कुटी मिर्च लाल थोड़ी सी। वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बनते तो कई तरीक़ों से हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके बहुत से तरीक़ों से ये बनाए जाते हैं। दही बड़े, दही बल्ले, दही फुल्कियाँ, जो भी इनके नाम हैं। अब हम आएंगे भल्लों की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐसे कर लेना हाथों से, आहिस्ता आहिस्ता करते जाना है। और देखिए कितने सॉफ्ट और मज़े के, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। मेरे घर में ये बन जाए फिर तो बच्चों को होता ही नहीं कि किसी ने रोटी खानी है कि नहीं। चलें जी, अब देखें हमारी डिश तैयार होने वाली है। इस तरह
ये डोंगा ही उठाएंगे भी सुपर ऐसा ऐसा देखें आस्ता आस्ता ये सारा दही इसके अंदर चला जाएगा। और ये हमारी पुदीने और धनिए की सब्ज़ चटनी, ये थोड़ी सी हम ऊपर गार्निश करेंगे। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर करना, अच्छी लगे शेयर करना और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।